वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स जो आईएमपी सेशन है इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सेमिस्टर थ्री अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ए एम डबल ई जिसको हम मैथ थ्री बोलते हैं इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने निकाला है और आपको देता हूँ सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में आपको बाइसेक्शन मेथड एंड न्यूटन डॉप्शन मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व करना है मस्ट भी एक एग्जाम्पल एक जी टी यू के क्वेश्चन पेपर में होता है चैप्टर नंबर टू की बात करें इंटरपोलेशन जिसमें कई सारे इंटरपोलेशन इंक्लूडिंग है जिसमें न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड इसके अलावा जो गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड है वो भी है स्टर्लिंग फार्मूला है लेकिन हमें प्रिपेयर सबसे पहले करवाना करना है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसके आगे लागराज इंटरपोलेशन सबसे मोस्ट आई एम पी टॉपिक वेरी मोस्ट आई एम पी टॉपिक लागराज इंटरपोलेशन एंड लास्ट में है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस जो फार्मूला है इसमें तो ये तीन इंटरपोलेशन आपको प्रिपेयर करना है इसके आगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर थ्री जिसमें ट्रेपेजोडल रूल्स है सिम्पन वन बाई थ्री थ्री बाई एट जो भी रूल्स है वो करना है इसके आगे गाशियंक ऑडरेचर फार्मूला है तो ये तीन बातें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एग्जाम्पल करना पड़ेगा चैप्टर नंबर फोर की बात करें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें टेलर मेथड भी है लेकिन यूलर मेथड एंड आर के रनजी कुत्ता मॉडिफाई मेथड जो है यूलर मॉडिफाई आर के टू आर आरके जो भी मेथड है वो इम्पोर्टेंट है तो ये चैप्टर नंबर फोर की बात थी चैप्टर नंबर फाइव कॉ फिटिंग बाय द न्यूमेरिकल मेथड जिसमें सेकंड डिग्री एंड एक्सपोनेंशियल एक्सपरशियल ऑगेटमिक्स का जो भी एग्जाम्पल है वो प्रिपेयर करना है वो इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एग्जाम चैप्टर नंबर सिक्स बेसिक प्रोबेबिलिटी जो कल भी मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक में मैंने इंपॉर्टेंट बातें बोली थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल बायस रूल्स रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी मास एंड डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये जो टोटली totally पोर्शन है वो ट्वेंटी टू परसेंटेज है तो चैप्टर नंबर सिक्स मस्ट पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा लास्ट चैप्टर है बेसिक स्टेटिस्टिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड सबसे इजी चैप्टर जिसमें से ये जो टॉपिक मैंने बोला है मेन है मीडियन है मोड है स्क्यूनेस कर्टोसिस जो वेरियस वेरियस टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है वो आपको करना है तो ये बातें थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमिस्टर के लिए ओके okay, बाकी सब्जेक्ट के लिए फिर से मिलेंगे तब तक गुड बाय एंड टेक केयर